खिलाया। कहे का गोश्त था वो? बकरे का। कितना टाइम हो रहा खिला के? 10 साल हो रहा। क्या दुश्मनी थी इसकी उसकी? मेरे को शादी कर लेने के वास्ते। सही बच्ची उसको दे देना बोल के शादी करा के उसके साथ। क्या है कि मैं लाल कपड़े में भी करा के लाया, मेरे को नहीं मालूम। हाँ कहीं को करा है, मेरे को अभी नहीं मालूम। अच्छा तू दोनों मियां बीवी में भी किरकिरा लगा रहा था? हाँ लगाया। और क्या कर रहा था? उसके इमारत को कमाई धमाई को भी नहीं जान दे रहा था? नहीं नहीं वो नहीं करा, मैं बच्ची को सजाया, गाली खाना वाली कुछ भी खाने नहीं देता था। हाँ और कुछ भी नहीं करा, मेरे को बाहर बुलाया, मेरे को उम्मीद कराया, उस चांद में आया था मैं। हाँ नाम हंसा था मैं, उसको जब से मम्मी को गले लगाया था लाल कपड़े करके, गांव से करके लाया मेरे को। तुझे शमशान से आया तू कब्रिस्तान से? कहां से आया? ऐसा करा घुस के बैठ गया अंदर, बाप का रात चल रहा क्या? कहीं में मिला खिलाया था उन्हें बकरे के गोश में? क्या था वो? सालन था, बिरयानी थी, क्या थी? नहीं खाने गोश्त ही फिंगर डब्बे में गोश्त था, लाके खिलाया मेरे को मेहमानों को, खिलाया शादी कर लेने के लिए, खिलाया कि नहीं करने खिलाया। तो तू ये बच्ची को क्या तकलीफ दे रहा था? इससे पहले तू कहीं हाजिर हुआ उसके आंग पे? नहीं मैं काम ही नहीं, खाली आता था चले जाता था। अच्छा खाली परेशान कर करके जाता था बच्ची को? देखा ना यहाँ कैसी ताकत है, अल्लाह के हुक्म की बरोबर पकड़ के ला लेते कम वक्त, अल्लाह के कलाम की ताकत है। जोर से तोबा तोबा कर, मुझे सुने आना। मैं तो बाहर से फौज को बुला रहा, दरवाजा खोल रहे जरा दो मिनट, मैं बाहर से फौज को बुला के तेरे दो टुकड़े करा देता हूँ। फिर बोल शाम की नमाज के बाद आधा आधा बोल के निकला था उसका। हाँ पूरी ताकत लगा के तोबा तोबा कर, नहीं तो मैं बुला रहा हूँ फौज को बुला के मारने लगूंगा बुधरा। जोर से मुझे सुने नहीं आ रहा, जोर से बोल तोबा। इसके बच्चों को भी परेशान कर रहा था क्या? बड़ी वाली बेटी को बहुत मार रहा था। क्या कर रहा था? बड़ी वाली बेटी को मार रहा था। कैसा मार रहा था? नमाज पढ़ती थी, रोजा पढ़ती, मगर मैं पढ़ाऊ बोला नको बोल के नहीं बोला। हाँ फिर क्या कर रहा था तू? मैं किसको क्या भी नहीं करा, खाली इसको सताया, उसके मरद को सताया। हाँ मरद को क्या बोल के सताता था? क्या करके सताता था? मरद बोलता था ईशान के बाद आ जाता, ईशान के बाद आ जाता, बार बार वही बोलता था मेरे को। हाँ बहुत परेशान हूँ मैं, पेट में दर्द में इतनी खुश रह रही कि मैं फायदा ही खुश रहता है बोल के आई मैं। हाँ ऐसा बोलता था, बकरे के गोश्त में खिलाया मेरे को वही चीज। अच्छा ये बच्ची की दवा कहाँ बैठी? अली कलेजे पे है, पेट में है, दिमाग पे है? दिमाग में भी है, कलेजे पे भी है, पूरी भिन गई नस नस में, बीमारी बदल के मारो बोले थे। बता तुम्हे उसको कैसा मारने वाला था, बीमारी पे डाल के एक्सीडेंट कर मारने वाला था। जोर से सुने आना मुझे, कैसा मारने वाला था? माफ कर दो। वो तो करेंगे नहीं करेंगे वो बात का सवाल है, पहले हमारे सवाल का जवाब दे नालायक। हाँ कैसा मारने वाला था बच्ची को? फांसी डाल के भी मारने वाला था। कैसा? फांसी डाल के भी। हाँ और पेट में पूरा दर्द करता, रात दिन दर्द करता। कम कर। हाँ और हाँ बोल। हाँ बोल जोर से बोल, तेरी पूरी ताकत लगा के। कुछ भी याद नहीं, अब हो गया मेरा, माफ कर दो, मैं कभी नहीं आता, मेरे को तौबा तौबा कर ले, तुम्हें कभी नहीं आता। इनका क्या नाम? जमाल भी है, उसका नाम जमना जमना। जमाल भी को जादू चलाते वक्त क्या लगा था उन्हें जमाल भी का? क्या बिना लाल कपड़े में पहनाया, लाके उन्हें गांव से लाल कपड़े लाके पहनाया। हाँ वही पहन के थी। अच्छा शादी से पहले से कर दिया उन्होंने? 10 साल हो रहा टोटल। चल तोबा तोबा कर जोर से, मैं तुम्हें आंख लगा दूंगा तेरे अंदर पूरी। जोर से लगा पूरी ताकत, जोर से। सुने नहीं आ रहा मुझे? माफ कर दो। नहीं आ रहा सुने? माफ कर दो। आवाज लगा एक जोर से पूरी, शैतानी ताकत है ना तो पूरी जोर से आवाज लगा के बता मुझे, बावाज बुलंद आवाज लगा। नहीं लगाता फिर आंख लगा दूंगा तेरे अंदर, जलाओ इसको, जकड़ के इसके अंदर आंख लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगाओ आंख। हाँ जोर से आवाज लगा फिर, करो तो बातों बात पूरा मार के भस्म करूंगा। हाँ आवाज लगा, आवाज लगा।
जोर से चीख की आवाज लगा मुझे सुने आना, मुझे दम की आवाज सुने आती, जोर की सुने आती है। हाँ चल लगा जोर से, कमी ने अंदर बैठ के मनमाना कर रहा था बहुत। क्या क्या बीमारियां लगाया था बच्ची को, जमीला भी को पूरा खराब कर रहा था पेट उसका। हाँ और अंदर से सड़ा दे रहा था, गला दे रहा था सब। और कुछ भी पहनने नहीं दे रहा था कपड़े उपड़े, मरद भी याद करता, ईशा के बाद आता, ईशा के बाद आता, बुलाता था उसका। हाँ। बार बार बुलाता उसका मरद, मेरे को बोलता था नहीं देता, बुलाता। हाँ। क्या बोलता था तीकू, ईशा के बाद आ जाता, ईशा के बाद आ जाता बोलता। तेरा क्या नाम था, तुम्हारे वाला इंसान है जिन्ना थे जिनू, क्या नाम है तेरा, क्या हबीब, हबीब मुस्लिम जीन है, कमबख्त और ऐसा लोगों को सता था। मुसलमान को मैं किसका भी बुरा नहीं करा, सही रास्ते पे चलती बच्ची में बुरा। कौन लाया था उसके साथ और कौन मिला आला था लाने वाले के, उसका भाई था चिन्ना। कौन था, चिन्ना उसका भाई था। अच्छा और नहीं थे। सही बोल रहा झूठ बोल रहा तू, सही बोल रहा हूँ। और कुछ पूछाने का है, निकालो था। कैमरा चालू जी, मुंह छुपाओ तुम्हारा। हाँ और क्या भी नहीं, बच्चे की नींद चैन सब बेचैन दरना लेके हर चीज लेके इसके बच्चे में इसके मदद पैसा करता ले। हाँ क्या करा रहे तूने उसके मर्द को, तूने कुछ करा, मैं नहीं करा। फिर उसके मर्द पे कौन जादू कर रहा, वैसा कौन कर रहा, उसके गांव वाले कौन करा रहे थे, खिलाए क्या उसके मर्द को, गाँव को गया था जब खिलाया उसको, किस चीज में मिला के, शक्कर में। अच्छा औरत खिलाई आदमी खिलाया, उसकी भाभी खिलाई। अच्छा दुश्मनी क्या थी, शादी कर लिया हैदराबाद में जाके बोल के। तू सही बोल रहा झूठ बोल रहा, नहीं मैं सही बोल रहा, सही बोल रहा। हाँ। कसम खा के बोल, कसम से, किसकी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा, मुझे माफ कर दो। चल तू क्या करता था, छोड़ना क्या, कुछ बाटल में डाल के जमीन में गाड़ देना। ना, 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 मैं चले आता एक बार, कभी नहीं आता मैं। देख मैं एक बाटल मंगा रहा हूँ, उसमें तेरे को अंदर डाल के जमीन में गाड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं माफी चाहती, मैं कभी नहीं। मैं कंकर अंगूठी का नग मंगाता हूँ, नग के अंदर तेरे को डाल के नग के अंदर कैद कर देता हूँ, अंगूठी के नगीने में, अंगूठी के नगीने में डाल देता हूँ, फिर तेरे को नगीने में जिसको भी दे दिया उसके साथ में रहना, फिर जाकर उसके घर में झाड़ू वहाँ बरताना पोछा करना, फिर मस्त बोल। अच्छी ऐसे नहीं है, बहुत ईमानदार है, किसी का भी बुरा नहीं सोचती। तू कहीं को बुरा कर रहा था उसका, लोग बोल दिए तू आके सुन रहा था क्या रे। अच्छा ये जादू चलाते वक्त बच्ची का क्या ले गए थे, कपड़ा मट्टी चप्पल वप्पल क्या लिए थे, क्या अभी ना लाल कपड़ों में करके भेजे उसके। अच्छा नाम से करे थे क्या, हाँ। माँ का नाम चलाए थे, बाप का चलाए थे, वो नहीं मालूम, गोश्त खिलाए वो मालूम मेरे को, खाली गोश्त। अच्छा तोबा तोबा कर, चल क्या करता आप, चले जाता के यहाँ से रह जाता, चले जाता मैं किस किस क्या बाहर खड़े हो जाता, क्या मेरे पास में शामिल हो जाता, माफ कर दो मम्मी, क्या मेरी फौज में शामिल हो जाता, माफ कर दो, बार माफ कर दो। क्या करता मेरी फौज में हो जाता शामिल, माफ कर दो। अच्छा उसके मर्द पे जो जादू करे जमीला के, तो किस चीज में मिला के खिलाए थे उसको, उसको क्या क्या करे, क्यों गाँव में उसकी भाभी करी, बड़ी वाली भाभी करी उसकी, और कौन कौन मिला है, क्या है उसके, उसकी बड़ी वाली भाभी चाली। सही बोल रहा झूठ बोल रहा, सही बोल रहा भाई। अच्छा उसका क्या लिख गए थे जमीला के मर्द का जादू चलाते वक्त, वो नहीं मालूम मेरे को, मेरे को खाली ये लगा दूसरे गाँव के ऐलान कर रहे हैं, मुझे मालूम भाई। क्या करना तेरे साथ सुलह, कब तक मार के भस्म कर देना, बाटल में डाल के जमीन में गाड़ देना, कि तू खबरस्तान में ले जाके खैद करा देना। हाँ सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोल, उसकी बड़ी बच्ची को क्या तकलीफ दे रहा था तू, सही बोल, उसके ऊपर भी जादू है क्या करे वाला, उसकी बड़ी बच्ची का क्या नाम है, बड़ी बच्ची नूरजहां के ऊपर भी जादू है क्या, बच्चे
अब लगना नहीं दोबारा, बच्चों के पिक्चर को भी दिखना नहीं। बच्चे कुछ जादू टोने की चीज कहाँ गाड़े हैं? शमशान में गाड़े, कब्रस्तान में गाड़े, गुड़िया बना के वो नहीं बोल हम छोड़ने की गुलाम बन के कहा जाता? क्या करता? किधर भी जाके चल, मेरे पास बाहर खड़े हो जा, शामिल हो जा, और मेरे पास लोग जो आते हैं उनकी खिदमत करना, वो लोगों के साथ में जो भी गरीब आ रहे, जो भी अल्लाह के राह में बंदे आ रहे, अल्लाह के उन सबकी राह फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के बंदों की मदद करना, हमेशा मेरी फौज में शामिल रखे। चल तौबा कर, बाहर जाके खड़े हो जा और बोल आज से मैं गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान का। आज से मैं हजरत के पास आने वाले लोगों की खिदमत करूँगा, खिदमत खल्क में लगा रहूँगा और अल्लाह की इबादत करूंगा ज्यादा से ज्यादा। और जो कोई भी हजरत के बारे में बुरा सोचे या कुछ बुरा करने की कोशिश करे, फौरी उनके घर पे जाके हमले करने की ताकत रखता हूँ। नदियों में बदमाश लोगों को उनके गाड़िया समेत उठा के नदियों में डाल दूंगा। हाँ, फौरी एक्शन लेना, फौरी गाड़िया समेत उठा के नदियों में फेंक देना, समझ गया ना? तेरे को ड्यूटी दिया लिए, जो ड्यूटी दी वो काम कर। हाँ, और कभी भी मैं आवाज दूंगा महबूब, जो भी काम कर बोल के हाजिर हो, हाजिर होना, काम करना और दिल से भी काम करना, एडवांस में सारे काम। मेरे को हुक्म देने की जरूरत भी नहीं पड़ना, बगैर हुक्म दिए के काम हो जाना सब, समझ गया? चल बाहर जा, खड़ा हो जा, छोड़ उसको, चल जा बाहर जा, पानी दो, चल जा बाहर जा, छोड़ उसको और बाहर चले जा। चल बाहर जा। ओए जमीला भी पानी पियो, ज्यादा मुंह का कपड़ा हटाऊंगा तो पानी पियो। कब से हो रहा है ऐसा? ये हो के 5-6 साल हो रहा है। इनके भी हाथों में सुधार लाओ, अल्लाह के फजल करम से इनके हाथों की सब तकलीफ को दूर कराओ। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تبنى انت الرحمن الرحيم اللهم اني احد اليك في حاضح الحياة لا اله الا انت وحدك لا شريك لك اشهد ان محمدا عبدك ورسولك فعلى تكن الله سبحانك تكن الله مصيبه قوم يسلمك ومن لا تكن الله رحمتك وجل عندك احد توفي عندك احد توفي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. उनके भी हाथों में तकलीफ दूर करा के सुधार लाओ और उनके घर में सारी नौजत दलिंदा दूर कराओ अल्लाह के फजल करम से। कुरान अधिक पढ़ने नहीं, तब सीखने वाले फिर आयतल कुर्सी और चारों कुल तो आते होंगे। कपड़ा बरोबर डालो, कैमरा चालू, इधर 7 बार इधर कुछ 7-7 बार चारों को हर नमाज के बाद में पढ़ के पानी पे दम करके बढ़ाते जाना, पीते जाना और हाथों पे भी दम कर देना और ये स्प्रे भी मार देना हाथों पे और उनके और इनके चेहरे पे होगी। और ये दुआ का पानी है, बढ़ाते रहना पी देना। ले लोगों कहाँ से आए थे? चलो इधर ले कैमरा, मेरे भी शावर नहीं है, साथ देते हैं।
ये जो मसला है ये और उसका ऐसा कहना था कि रिश्ता मांगे थे कुछ नहीं दिए थे, नहीं देते चाहे नहीं कर लेते भी बोले, नहीं कर लेते बोलते इनको दे दी मजबूरी। इससे पहले इनके आंख पे कभी हाजिर हुआ था? हाजिर नहीं, खाली घर में बोलते थे अम्मी मुझे कुछ दिख रहा बोलते अच्छी बढ़िया घर को। कभी दरगाह पे कहीं हाजिर हुआ? कहाँ भी दरगाह में, सिर्फ दरगाह में गई तो मेरे को अच्छा हो रहा बोलती, कहीं मैं मुर्शद को लेने ले गई। यहाँ पर कितने बार आने के बाद हाजिर हुआ? यहाँ अब भी है, पहले फर्स्ट पहली बार ही चाहते हैं। आने से पहले थोड़ा एक दो दिन परेशान करे, क्या लफड़े में क्या मैंने झगड़ा झगड़े हो गए, इधर के रास्ते को आना नहीं चाह रहे थे, वो अंदर का क्या करता इधर के रास्ते पे आने नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम था जहाँ कटता वहाँ आने नहीं देता, जहाँ बर्बाद होते वहाँ ले जाता, क्योंकि तुम्हारा पूरा बर्बाद कर देता, पैसा तुम्हारा लुटा देता सब, जहाँ मरने वाला रहता जब कटने वाला रहता वहाँ उसको पहले मालूम रहता नहीं सोचते आने नहीं देता उसको, मगर आते बहुत सारे लोग कैसे, मगर यहाँ तो आने के बाद अल्लाह की तुमसे होता चल रहा की किसी का पहली बार में, किसी का दूसरी बार में, किसी का तीसरी बार में आता, सबके अलग अलग दास आने थे। अब इनका लेकर आए तो लेकर आते थे, पहली बार में हाजिर हुआ और हाजिर होकर अल्लाह के तुमसे सवाल जवाब सब बोल दिया, उन्हें 10 साल पुराना है कुछ क्या 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 क्या, और शोहर की भी उनके दास्तान बताया उन्होंने, शोहर की भी उनके मौजूद करते रहते, तो वो अलग फोन करे थे, उधर का अलग खेल चल रहा है, इधर का ये अलग खेल था। तो ये सब इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, इबादत तुम्हारी ढाल है, दुआ मोमिन का हथियार बनाया अल्लाह ने, तुम दुआएं पढ़ेंगे, इबादत, कुरान, हदीस, ये सब तुमको याद रहेगा तो तुम महफूज रहेंगे, ये सब चीजों से तुमको जादू बला बतराओं से सबसे अल्लाह महफूज रखेगा। जादू चल जाने के बाद में तुम इबादत की रस्सी को पकड़ने को देंगे, तुमको शैतान पकड़ने नहीं देते, बेचैन कर देते, वहां नजदीक नहीं जानते थे तुम आपको इबादत के, ना मस्जिद के, ना हदीस के, ना कुरान के नजदीक नहीं आते थे, इसलिए तुम अगर पहले से ही पकड़े वाले रहेंगे तो वो शैतान वो लोग तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकते, कोई बार कोई जादू टोना तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकते, इबादत की रस्सी को मजबूत थामना और जाहिल नहीं बनना। जाहिल इस्लाम के अंदर उसको बोले अल्लाह जो पढ़ा लिखा गवार है उसको जाहिल बोले अल्लाह, जो पढ़ लिख के भी मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता ये बातों को, फिर उसको जाहिल बोले अल्लाह, वो क्या हो जाता है, वो अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर लेता, उसकी दुनिया आखिर से भी बर्बाद हो जाती है, ऐसी चीजों में अगर वो लग गया, अगर उसमें मुबतला होगा इस वबा में, फिर उसका बुरा हाल हो जाता है, उसके सब खराब। नमाज नहीं पढ़ने वाले इधर आते वक्त नमाज पढ़ के बाबा नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने वालों को मारते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसा रहता है अल्लाह का निजाम, ये सब ऐसी इबादत तुम करेंगे ज्यादा से ज्यादा रस्सी को मजबूत इस्लामी सब चीजों से महफूज रहेंगे, और दुआ हर चीज की, खाने की, पीने की, चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की, सोने की, सोने के बाद की, उठने की, हर 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 चीज की दुआ है, सब याद करो तुम, मेन चीज याद करके रखना। मैं तुम्हारे इसलिए बता रहा हूँ, तजुर्बा है, तुम मेरे से सवाल करो तो मैं तुमको जवाब दूंगा, बताऊंगा तुमको क्या और कैसा जीना है, तुमको जीने के तरीके, वैसे भी तुम हदीस और कुरान को फॉलो करो बस मजबूती के साथ, तो तुमको दुनिया और आखिरत सब सवर गई तुम्हारी, और दुनिया जीने का तरीका आ गया तुमको, नहीं तो वेल एजुकेटेड बन रहे, वेल बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन हासिल कर रहे और दीन और हदीस से नहीं जुड़ रहे, तो फिर वो सब बर्बाद है और बेकार है, क्योंकि तुम्हारे को उसमें ना सुकून हासिल कर सकते तुम, ना कुछ ना क्या, तुम्हारी पूरी लाइफ खराब बर्बाद और आखिरत की दुनिया है, इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना। बहुत सारे बातें खैर बोलने में क्या बोलो, अल्लाह कहने सुनने से अमल करने की और बार बार एक बात याद रखो कि मेरा क्या उसमें, वो जो भी शय आ रही है बार बार मैं पूछता हूँ, गोंदाला नहीं नाम लेता, पचास बार बोले क्योंकि नाम लेता, दूसरों का नाम क्यों नहीं लेता, जिसका जो करे वाला था उसका नाम लेता, इसका भी लेना उन्होंने भेजा जो भेजा उसका, तो जब मार पड़ती बला को तो सही नाम पड़ती, बार बार वो ही नाम लेता, शैतान शय जिन्ना चुड़ल जिसने भेजा वो, कोई भी तो अपने आखा का नाम लेगा ना, जब बच्चे को मार पड़ती तो उन्हें अम्मा बोल के रोता, अपने अम्मा का नाम लेता, शैतान को मार पड़ी तो उसको कौन भेजा उसका नाम पकड़ के रोता, अब मेरा क्या है, मेरे को सबको देखना एक समान है, मेरे किससे कोई दुश्मन मधुरी किसी को जानता जिसके नाम निकल रहा, इसलिए तुम ऐसी हरकतें मत करो कि करेंगे तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है, कि क्या कहाँ जाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जादूगर के पास गया और जिसने जादू चलाया वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, महशर के दिन उसकी शफाअत भी नहीं करूंगा, जादूगर की भी नहीं और जादूगर के पास जाने वाले की भी नहीं, फिर कहाँ जाएंगे तुम अगर सरकार शफाअत नहीं करेंगे। इसलिए समझो अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पे चलो, जादूगरों के नक्शे कदम पे मत चलो, अल्लाह वालों के पास जाओ, हदीस में बोले अल्लाह के अल्लाह वालों के पास तुम जाएंगे, बुजुर्गान दीन के पास जाएंगे, तो तुम्हारी ईमान मजबूत करेंगे, तुम्हारा दीन ईमान मजबूत होगा, और जादूगर के पास जाएंगे तो तुम्हारा दीन ईमान बर्बाद हो जाएगा।
समझ में अल्लाह का सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा।